गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं 8 बज चुके हैं और मौसम कुछ ज़्यादा ही बहुत अच्छा हो रहा है। तो दिखाते हैं आपको कैसा हो रहा है। देखिए नारगढ़ किला अभी भी नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। देखिए तो आज बहुत ठंड है गाइस, तो इसलिए मेरा वॉक करना नहीं हुआ और बाहर जाना भी नहीं हुआ। वो इसलिए गाइस क्योंकि थोड़ा सा है ना पेन हो रहा था मेरी बॉडी में और ठंड के वजह से। गाइस मम्मी ने मुझे उठाया था 7 बजे, बोला था मम्मी ने मुझे कि 7 बज रहे हैं और अंधेरा हो रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर मेरे बॉडी में पेन था रात से ही, क्योंकि मम्मी ने मुझे बोल दिया था कि थोड़ा आराम करना क्योंकि बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा था और 7 बजे भी अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। और गाइस अभी 8 बज रहे हैं और 8 बजे भी हल्का से लग रहा है कि अंधेरा अंधेरा सा, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है और नारगढ़ किला दिख ही नहीं रहा क्योंकि आप लोगों ने देख ही लिया बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा नारगढ़ किला। तो फिर मैंने सोचा कोई ना आज अपन छत पे ही घूम लेते हैं, जो भी सुबह एफ्रेश वगैरह लेते हैं और न्यूट्रिशन मतलब शेक वगैरह लेते हैं जो यहीं ले लेते हैं और थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। तो गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद। देखिए नारगढ़ किला नज़र ही नहीं आ रहा। ओके मिलते हैं बाद में, बाय बाय। मुस्कान खा लीजिए गाइस ब्रेकफास्ट। क्या बात है, किसने बनाया? मामा ने बनाया। तो गाइस मुस्कान टेस्ट करके बताएगी भैया ने बनाया नूडल्स। इसको देखिए कैसा बना, टेस्टी, बहुत यम्मी। थैंक यू भैया, तो बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो गाइस देखिए इनको इनको इतनी अच्छी लगी है, ये देखो पूरी फिनिश फिनिश दिखाना। हाय कर दो, हेलो हेलो करो, हेलो हेलो। फास्ट कर रही है मुस्कान और मिलते हैं कुछ देर बाद। आप देख सकते हैं कार्तिक क्या कर रहा है। कार्तिक चॉकलेट खा रहा है। कार्तिक क्या कर रहा है? चॉकलेट खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है। देखो इधर देखो कार्तिक, कार्तिक देखो इधर। तो गाइस आप देख सकते हैं कार्तिक चॉकलेट ले ली उसने मुझसे और उसको निकलवा के और थोड़ा सा खा के और चल दिया अपनी मम्मा के पास। इस रात का वक्त हो रहा है और 8 बज रहे हैं और मेरा शूट करना नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने बताया था आपको कि मेरी कल रात से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो पूरा दिन भी ऐसे रात था मेरा और मेरे को शूट करना नहीं हुआ दोपहर में, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। और मैंने इसके लिए चीज़ मंगवाई थी तो ये वो खा रहा है और खा के और उधर निकल लिया अपनी मम्मा के पास। तो बस मेरी तबीयत थोड़ी ऐसे हो रही है क्योंकि मेरी बॉडी में पेन ज़्यादा है और हल्की सी थोड़ी वीकनेस है, तो इसलिए मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है बाहर का, सिर्फ घर का ही खाया था थोड़ा सा इसलिए। और मेरी तबीयत थोड़ी नाजुक है और उसमें क्या है थोड़ा सा आराम मिला था मुझे तो मुझे नींद आ गई थी। तो अब गाइस डिनर करेंगे तो वो दिखाएंगे आपको, अगर मेरा डिनर करना हुआ तो ठीक है, नहीं तो गाइस मुझे शेक ही लेना है नाइट में और थोड़ा जल्दी सोना है तो इसलिए शूट नहीं होगा। तो कल अगर अगले दिन मॉर्निंग में शूट करेंगे, बाहर वॉक करने जाना होगा मेरा मॉर्निंग में, तो वहीं शूट करेंगे थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं कुछ देर बाद गाइस।
हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, रात का वक्त हो गया है और 9:45 का टाइम हो रहा है और हम सब लोग खाना खाएंगे, डिनर करेंगे और जो खाएंगे वो आपको दिखाएंगे गाइस। तो बने रहे ब्लॉग में। गाइस, मेरा आज पुलाव खाने का मन था, चाहे से मैं थोड़ा सा ही खाऊं। तो गाइस, चाहे से मैं थोड़ा ही खाऊं पुलाव, पर मेरा पुलाव खाने का मन था और भाभी ने पुलाव बनाए हैं और वो भी नॉन वेज में। तो गाइस, कुनाल खाना लेने गया हुआ है नीचे और जब तक वो आता है, जब तक अपन कुछ बातें कर लेते हैं। तो गाइस, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया, और थोड़ी सी वीकनेस भी नज़र आ रही होगी आपको चेहरे पर। तो गाइस, फिर भी अपना वर्कआउट नहीं रुकेगा, क्योंकि आज मैंने एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं की, नॉर्मली बस ऐसे हल्का सा छत पे घूमा एफ्रेश लेके, और 10 बजे के आसपास मैंने शेक ले लिया था, फिर दिन में थोड़ा सा कुछ खाया था मैंने, और उसके बाद अब थोड़ा सा पुलाव खाएंगे। और कल सुबह मुस्कान का भी जाने का मन है मेरे साथ, और अगर वो जाएगी तो गाइस उसमें भी आपको दिखाएंगे हम दोनों क्या क्या बातें करेंगे, हम क्या क्या एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग वगैरह जो भी मस्ती करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो गाइस, कल का दिन भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जैसा कि मेरा कल का दिन गया वो भी मेरा काफ़ी अच्छा था, अच्छा वर्कआउट हुआ था। और मुझे वैसे ज़्यादा रनिंग नहीं करनी है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस मुस्कान को भी करनी है, थोड़ी सी करनी है उसको भी, वो मुझे योगा वगैरह कुछ कराएंगे तो वो भी करेंगे कल। ओके, तो मिलते हैं कुछ देर में, कुणाल खाना लेने गया हुआ है। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, रात का वक्त हो गया है और 9:45 का टाइम हो रहा है और हम सब लोग खाना खाएंगे, डिनर करेंगे और जो खाएंगे वो आपको दिखाएंगे गाइस। तो बने रहे ब्लॉग में। गाइस, कुणाल खाना लेकर आ चुका है और हम खाना खाएंगे, तो दिखाते हैं आपको पुलाव कैसे बने हैं। तो गाइस, ये देखिए पुलाव, ये चिकन, वो चिकन में बने हैं ना, नॉन वेज में बने हैं, चिकन है, लेग पीस है। तो गाइस, देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा खाना है मुझे और मिलते हैं कुछ देर बाद। गाइस, मैंने डिनर कर लिया है और बहुत ही अच्छा पुलाव बना था, इट्स वेरी यम्मी गाइस। थोड़ा सा ही खाना था, पर थोड़ा सा ही खा लिया मैंने और बहुत मज़ा आ गया, बहुत दिनों बाद खाया था पुलाव नॉन वेज में, इट्स वेरी यम्मी। और तो गाइस, आज मैंने खा लिया है और कल से पार्क चलेंगे वर्कआउट के लिए, योगा के लिए, और थोड़ी सी रनिंग करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी में पेन है तो फास्ट कर नहीं सकते, तो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे और जब जाएंगे तो ब्लॉग स्टार्ट कर लेंगे घर से ही। ओके गाइस, तो 9:30 का समय हो गया है, और आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय।